हेलो दोस्तों, अपूर्वायाः पाठशालायां स्वागतं भवतां सर्वेषां। अहमस्मि भवतां संस्कृत शिक्षकः आशीषः। तो बच्चों, ये है फाइनल पेपर, इसके बाद कोई पेपर नहीं आएगा। अब जो भी आएगा अगले साल ही आएगा, तो ये लास्ट पेपर है एनुअल एग्जामिनेशन 2022-23। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब आपको जो भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा नेक्स्ट ईयर ही मिलेगा, मतलब इस साल का ये लास्ट पेपर है नाइन्थ स्टैंडर्ड का। उसके बाद जब शुरुआत होगी तो PT1 से होगी, तो वो तब की बात है, तब देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ये आपका एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये आपका एनुअल एग्जाम हो गया 2022-23, फाइनल पेपर है, मतलब बोर्ड का पेपर है, CBSE बोर्ड का पेपर है जो CBSE हमें भेजता है। ठीक है, तो सेम है, आज तक के जितने भी वीडियो आपने अपूर्वा की पाठशाला में देखे हैं सेम टू सेम है, ऐसे ही पहले भी थे और अब भी ऐसे ही है, तो सब कुछ सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। उत्तराणि संस्कृतेनैव लेखनीयानि प्रश्न अनुसारम सर्वम लेखनीयम। तो ये रहा आपका अपठित अवबोधन, इसको बड़े ध्यान से, अच्छे से, ठंडे दिमाग से, अच्छे से इसको पढ़ लेना। जब आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे, पढ़ के आप इसको समझ लोगे, तो उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर में जाना। क्वेश्चन आंसर में जाने के बाद आप क्या देखोगे, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती महाभागानाम पूर्व नाम किम आसीत। तो तस्य नाम आसीत मुंशी रामः, उसका नाम क्या था, मुंशी रामः। बहुआयामी प्रतिभायाः धनी कः आसीत, श्रद्धानंदः। कांगड़ी ग्रामः कस्याः तटे अस्ति, गंगायाः तटे अस्ति। तो ये सारे आंसर मतलब इसी के अंदर है। अगर अभी आंसर ये देखोगे, पहला वाला आंसर ये रहा मुंशी रामः, श्रद्धानंद ये रहा भाई साहब श्रद्धानंद सरस्वती, ये दूसरा आंसर हो गया, और तीसरा आंसर क्या है, गंगायाः तटे। तो सारणसी महाभागेन महोदयानां फरवरी मासस्य शताब्द्यां शिक्षा दीक्षा लागरी नवज महावाले परिनगर ये रहा गंगायाः तटे। तो ये जितने भी आंसर से इसी पैसेज के अंदर है, बाहर से कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, सह कुत्र गुरुकुलस्य स्थापनम अकरोत। ठीक है, ये हरिद्वार तटे गंगाया कांगड़ी गुरुकुलस्य स्थापनम अकरोत। उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती महोदयानम बलिदानम कदा अभवत, तो वो कब टपका, ये रहा दिसंबर मासस्य एकोनविंशति शततमे वर्षे तस्य बलिदानम अभवत, दिस इज द आंसर। महोदयानम जन्म कुत्र अभवत, ठीक है, हो गया, तेषां महोदयानां जन्म पंजाब प्रांतस्य तलवन इति ग्रामे फरवरी मासस्य द्वाविंशति दिनांके, ये सब पूरा लिख देना, उसका जन्म हो गया था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अनुच्छेदे अकरोत इति क्रियापदस्य कर्तृ मतलब किम, सः इज द आंसर। गद्याम से पूर्वम इत्यस्य पश्चात स्वामी दयानंद सरस्वती महाभागस्य, ये स्वामी दयानंदनाय, महात्मा मुंशी रामः, महात्मा इज द विशेषण पदम। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। पत्र लेखन देखते हैं, पत्र लेखन में बोल बोल के मैं थक गया हूँ, आप सुन सुन के नहीं थके, तो इसको ध्यान से पढ़ लिया करो, जब भी पढ़ना होता है। मैं खाली इसके आंसर्स बता रहा हूँ, क्योंकि ये की आंसर है, ये कोई क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन नहीं चल रहा है, ये की आंसर बताई जा रही है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए होगा तो बता देना, PDF मिल जाएगा। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, आदरणीय संपादक महोदय सादरम वंदे, अहम सुरवाणी संदेश इति पत्रिकायाः नियमिता पाठिका अस्मि, मम ग्राहक शुल्कं दिसंबर मासस्य समाप्तं भवति, अतः अनेन पत्रेण सार्धं वार्षिकं शुल्कं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संलग्नं बैंक ड्राफ्ट दिस दिस दैट दिनांकितं प्रदेयं, कृपया प्राप्तिपत्रं प्रेषयित्वा अनुग्रहितां कुर्वन्तु, सधन्यवादं भवदीया संस्कृतोपासिका यतिका। तो ये इसके सब जितने भी हैं इसके अंदर फीड कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि लिखा था, तो चित्र देख के आपको पांच सेंटेंस बनाने हैं, तो आप कुछ भी बना सकते हो। सैनिकाः देशं रक्षन्ति, सैनिकाः देशस्य रक्षणं कुर्वन्ति, सैनिकाः अभ्यासं कुर्वन्ति, सैनिकाः आयुधं चालयन्ति, ओके रक्षणे सिद्धाः सन्ति, कुछ भी 5 से 10 सेंटेंस आप बिंदास लिख देना। अब देखते हैं, संस्कृत भाषायाः कृते अनुवादं कुरुता,
सभी संस्कृत भाषा में अच्छे हैं, सर्वे संस्कृत भाषायाम उत्तमाः सन्ति, निपुणाः सन्ति। आप उत्तमा की जगह में आप निपुणा भी कर सकते हो, प्रवीणा भी कर सकते हो, कुशला भी कर सकते हो, सम्यक ये भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, बस सेंटेंस ये वैसा होना चाहिए, सर्वे संस्कृत भाषायाम डैश सन्ति निपुणाः कुशलाः प्रवीणाः। आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करे। उसके बाद क्या हो रहा है, ही इज डूइंग द प्रेयर, सह प्रार्थनाम करोति, सह किम करोति, सह प्रार्थनाम करोति। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, सुनीलः मंदिरे उपविशति, सुनीलः मंदिरे उपविशति। अहम नायकः अस्मि, आई एम कैप्टन, मैं एक नायक हूँ, अहम नायकः अस्मि। यू राइट वेरी नीटली, भवान बहुत सम्यक लिखति, और भवान की जगह में अगर आप लिखोगे त्वम तो यहाँ पे हो जाएगा लिखसी, त्वम बहु सम्यक लिखसी, त्वम बहु सुंदरम लिखसी, ऐसा भी उसका प्रयोग आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये आपका ग्रामर है, अत्र प्लस एवा अत्रैवा, सत प्लस आचारः सदाचारः, नहि प्लस अकः नायकः, नेच्छामि न प्लस इच्छामि, अति प्लस उत्तमः अत्युत्तमः। तो मैं संधि के नाम बता देता हूँ, पहली वाली वृद्धि संधि है, दूसरी वाली व्यंजन संधि है, तीसरी वाली अयादि संधि है, चौथी वाली गुण संधि है, और लास्ट वाली जो है वो यण संधि है, अति प्लस उत्तमः अत्युत्तमः। आगे चलते, सायंकाले सूर्यस्य किरणाः न दृश्यते, सायंकाले सूर्यस्य किरणाः न दृश्यते, चटकाः डैश डयन्ते गगने डयन्ते। ठीक है, डैश पाठं पठति कन्या पाठं पठति, अम्बा डैश पचति किं पचति भोजनं पचति, डैश लेखान लिखतः ते लेखान लिखतः, बिकॉज इन तीनों में से ताः लिखंती हो जाएगा, सः लिखति हो जाएगा, ओनली ते लिखतः इज मैचिंग। ठीक है, तो ये भी हो गया। प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितं धातुरूपं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। खाली चार प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मातरं पुत्राः सेवन्ते, वयं चित्रं पश्यामः, ताः महिलाः न गमिष्यन्ति, बिकॉज फ्यूचर टेंस है और बहुवचन है। यूयं उत्तम कार्याणि कुर्यात, त्वं उत्तरं वद, दिस इज द आंसर। ठीक है, प्लीज यू पीपल डोंट टेल मी कि सर वाई यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग, बिकॉज दिस इज द की आंसर। की आंसर मतलब जो अभी फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर ये है जो आया है, वो आपको बताया जा रहा है। ठीक है, वो आपको बताया जा रहा है कि इसके आंसर से, इफ यू वॉन्ट एंड यू नीड द क्वेश्चन पेपर, डेफिनेटली यू पुट ए कमेंट, 100% आई मेल यू। आप कमेंट में जरूर करोगे तो मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। देन आगे देखते हैं, प्रदत्त विकल्पेभ्यः कारकम् उपपदानं प्रयोगं कुरुतः, कीर्तिः श्वः भ्रात्रा सह नगरं गमिष्यति, सह योगे तृतीया, भ्रात्रा सह, भवतः विना अहं भोजनं न करोमि, अस्माकं शालायाः पुरतः, पुरतः योगे षष्ठी, ग्रामे देवस्थानं परितः, परितः योगे द्वितीया विभक्ति, शास्त्रेषु निपुणः, निपुणः योगे सप्तमी। ठीक है, ये हो गया आपके उपपद विभक्ति। उसके बाद बोल रहा है श्रु प्लस त्वा श्रुत्वा, ये प्रकृति प्रत्ययम जो आपके प्रत्यय आते हैं, श्रु प्लस त्वा श्रुत्वा, त्यज प्लस तुमुन त्यक्तुम, आगत्य आग प्लस गम प्लस ल्यप आगत्य, देन कंपमानाय कंप प्लस शानच कंपमानाय। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है वृक्षे त्रिपंचाशत फलानी संति, आपणे सप्तनवति। ठीक है, त्रिपंचाशत सप्तनवति ही, 97 ही सप्तनवति ही, 42 द्विचत्वारिंशत मंदिरात, ओके, कक्षायाम अष्टात्रिंशत अष्टत्रिंशत छात्राः पठन्ति, 27 सप्तविंशति ही नक्षत्राणि सन्ति। यू पीपल विल थिंक दिस टाइम व्हाई आई रोट ऑल आंसर्स हियर, बिकॉज लास्ट टाइम आई एम नॉट एबल टू राइट, इफ आई एम राइटिंग मीन समथिंग उल्टा उल्टा आई विल राइट, फॉर दैट रीजन आई रोट इन द स्टार्टिंग ओनली। यहाँ पे क्या करना है, उपसर्ग को धातु से अलग करना है, तो इसमें उद्भवति में उत उपसर्ग है, प्राविशत में प्र उपसर्ग है, दुर्लभम में दुर उपसर्ग है, विजयते में वी उपसर्ग है, एंड अभ्यागता में अभी प्लस आगता अभ्यागता अभी उपसर्ग है। ठीक है, अव्यय पदानी, श्वः शिवरात्रिः भविष्यति, त्वं किमर्थम् एतत् कथयसि, सः यथा चिन्तयति तथा आचरति, पाण्डवैः सह द्रौपदी
अपि वनं गच्छति सर्वदा भगवन्तं भज। ठीक है, सर्वदा भगवन्तं भज, तो ये आपके अव्ययभी हो गए। अब चलते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, तो ये जो लेसन आया है फ्रॉम सेकंड चैप्टर से आया है, ये आपका सेकंड चैप्टर है स्वर्ण काकः, वहां से ये पूछा है। तो चलो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ग्रामे कीदृशी वृद्धा न्यवसत लुब्धा, सा कस्य रहस्यम ज्ञातवती, काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, गर्वितया बालिकया किम प्रोक्तम, गर्वितया बालिकया किम प्रोक्तम, गर्वितया बालिका उक्तवती स्यात् अहम चिंतयामि। काकम निवेदन बहु नीच काकम अगतास्मि तो सोपानम स्वर्णमयम गर्भितया बालिकया प्रोक्तम स्वर्णमय सोपानेन अहम आगच्छामि। ठीक है, ये आंसर हो गया। काकः किम अब्रवीत, काको ब्रवीत अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि कथम आगच्छति वदतु, ये उसने पूछा। कव्वे ने क्या पूछा, कैसे आओगे क्या आओगे। ठीक है, निर्देश अनुसारम प्रसंशयन्ति निर्भर्त्सयन्ति, ये आंसर है। वसति न्यवसत। ठीक है, पद्यांशं पठित्वा आरंभ गुर्वीक्षयिणी, तो केषां मैत्री, खलानां मैत्री, केषां मित्रता, सज्जनानां मित्रता, खलानां मैत्री की दृष्टि भवति, आरंभे गुर्वीक्षयिणी कर्मेण सज्जनानां मैत्री वृद्धिमत्ता च पश्चात, ये आंसर हो गया। पुरा पश्चात, दुर्जनः खलः। ठीक है, उसके बाद उमायाः मातुलः कः, चंदनः। मातुलानि किमर्थं काशी गता आसीत्, गंगा स्नानार्थं सा गतवती आसीत्। ठीक है, ये चंदनः पाठ से आया है। पितामह किं कथयति, अब पेपर में ढूंढ लेना, ये आसानी से मार्क्स में। पितामह किं कथयति, पितामह कथयति मासानंतरं समग्रे महोत्सव उच्यते, तेन बौद्धि करणीय, ये बोलता है। मातुलानि किमर्थं गतवती, मातुलानि तो गंगा स्नानार्थं काशीं गतवती अस्ति। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, अत्र क्रियापदं किं, भविष्यति क्रियापदं में मातुला पितामह कथयति, मातुला पितामहः कथयति, अत्र कर्तृपदं किं, पितामहः, बिकॉज़ पितामहः कथयति। ठीक है, रेखांकित पदेभ्यः प्रश्न निर्माणं कुरुतः, ज्येष्ठानां केषां, विदुषा तृतीय विभक्ति है केन, कोपात पंचमी विभक्ति है कस्मात्, सरस्वत्याः कस्याः, शत्रुः कः। ठीक है, नद्यः स्वयमेव अम्बः न पिबन्ति, वृक्षा फलानि न खादन्ति, वारिवाहः, ठीक है, सस्यम न अदंती, तो ये इसके आंसर हो गए। उसके बाद क्या बड़ा है, अहम वृद्धः त्वं धन्वी जीवितः वेदेहिम एंड लास्ट वन गमिष्यसि, इट्स आल्सो टू इजी, इतना भी कठिन नहीं, बहुत आसानी है। घटना कर्म अनुसार जिसका है सबको इंतजार, ये है घटना कर्म अनुसार जिसका है सबको बेसब्री से इंतजार। ये इतना आसान है कि इतना आसान है, जो अभी बोर्ड के मैंने बच्चों के पेपर देखे हैं और बच्चों ने जो लिखा है सब ने रॉन्ग लिखा है। ये स्टोरी के जो घटना है, हियर आई विल टेक 1 to 2 minutes टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, क्या पता किसी बच्चे का एग्जाम ना हुआ हो और वो वीडियो देख रहा हो, तो इट विल हेल्प फॉर द दोस पीपल, उसको मदद करेगा। सबसे पहले जो वो था तंद्रालु बालः किमपि उद्यानं प्राविवेश, तो वो जो लड़का था वो सबसे पहले एक गार्डन के अंदर एंटर हुआ, राइट। उसके बाद उसने क्या देखा, उसने देखा कि सह चिंतया मासा विरमेतत वराकाः पुस्तकदासाः, उसने सोचा कि मैं गार्डन के मतलब पार्क के अंदर चला गया हूँ, अगर ये मेरे दोस्त भी रुक जाते जो पुस्तक के कीड़े हैं, मतलब जो पढ़ना ही चाहते हैं, अगर वो रुक जाते तो कितना मजा आता, पर ये इसको इनको पुस्तकों ने खरीद दिया है, मतलब इनके ऊपर दया, वराकाः का मतलब होता है दयनीय। उसके बाद क्या बोल रहा है, अहम पुनरात्मानं विनोदिष्यामि, ये एक यहाँ पे यूज हो रहा है और ये एक बार फिर रिपीट हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे भी मैच हो रहा है और ये सिक्स्थ वन में भी आ रहा है, तो अगेन आई विल कम बैक, ये तीन भी हो सकता है, छह भी हो सकता है, देयर आई विल टेल, मैं बोलता हूँ वो कैसे।
ठीक है, तो यहाँ पे पुरहम आत्मानं बोधयामि से पहले क्रीडा हेतोः मधुरम आह्वयत, तो उसने पहले एक भंवरे को बुलाया, कीड़े को बुलाया, चल भाई दोनों मिलके साथ में खेलते हैं। ठीक है, तो जो कीड़ा था उसने मना कर दिया, नहीं यार मैं बिजी हूं, मैं नहीं हो पाएगा ये इधर उधर के साथ वगैरह वगैरह। ठीक है, इतना बोलने के बाद जब पांचवा खत्म होता है तो उसके बाद वो छठा, जब वो चिड़िया की तरफ देखता है तो सा अहम पुनरात्मानम विनोदिष्यामि, मतलब उसने उसका मूड खराब कर दिया, ये फिर वहां पे भी मैच हो रहा है। तदा एकाम चटकाम अपश्यत, तो उसने क्या देखा, एक चिड़िया को देखा, चिड़िया को देखने के बाद उसने उसे मित्रता करने की कोशिश करी, बट लास्ट में चिड़िया ने क्या किया, अपने काम में बिजी हो गई, उसके साथ नहीं खेलने लगी। तो इतना आसान था, एक कॉमन सेंस नाम की चीज होती है जो बोलते हैं कि दिमाग से काम करना चाहिए, तो थोड़ा आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, सबके दो दो मार्क्स, डेढ़ मार्क्स ऐसे सबके जा रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी मतलब एक आध को छोड़ के किसी का दिमाग चल गया होगा, तो बाकी तो मुझे नहीं लगता, बाकी होंगे लकी पीपल, विल सी। प्रसंग अनुसारम अर्थम लिखता, रसालाहा आम्राहा वने विपिने बारीवाहा मेघाहा एंड गात्रे शरीरे। ठीक है, गवक्षात वातायनात, ठीक है, ये ततीम पंक्तिम, दुहिता सुता, वित्तम धनम एंड आशु शीघ्रम। ये हो गया आपका बच्चों क्वेश्चन पेपर खत्म। अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट मारो, और कमेंट मार के बोलो तो हम आपको क्वेश्चन पेपर जरूर देंगे। और इस चैनल में बहुत सारे बाहर से बच्चे आ रहे हैं, सीख रहे हैं, बट कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, बड़े दुख की बात है। मतलब आते हो, सीखते हो, मतलब आपका फायदा हो गया तो दूसरे का भी तो सोचो, दूसरे के बारे में भी तो सोचो, वो भी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पेपर ढूंढ के बना के की आंसर बना के अपलोड करके, वो भी तो बंदा कष्ट कर रहा है ना। ठीक है, आपकी इच्छा अभी भी कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। चलो, कुछ भी डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद। हाँ।